सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही विशेष वीडियो है। और देखिए, आज हमारे गांव में भैरव देवता का पूजन है, इसलिए यहाँ सभी गांव वाले पहुंच रखे हैं। जो लोग बाहर भी रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, कितने ही लोग पलायन कर चुके थे, वो भी आज भैरव देवता के पूजन में पहुंच चुके हैं। और गांव में बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा है और मौसम भी अच्छा है। कल बहुत बारिश हुई थी, इसलिए मौसम भी ठंडा ठंडा है और गर्मियों का मौसम भी है, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे गाँव में बहुत सारे लोग हैं, प्रत्येक परिवार में जो दो दो तीन तीन जने बाहर रहते थे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर रहते थे, सभी गांव में आ चुके हैं। और तीन दिन तक लगातार यहां भैरव पूजा का पूजन है, तो इसलिए बहुत सारे, देखिए वहां भैरव मंदिर है, आप देख सकते हैं ऊपर, वहां पे वहाँ पूजा हो रही है और कुछ लोग नीचे खाना बना रहे हैं। नीचे सबके लिए खाना बन रहा है, वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, अभी आपको टेंट लगा हुआ वो दिखाऊंगी। और इधर भी टेंट लगा हुआ है, रात को जागरण है और पूरे गांव के लोग आएंगे जागरण में, बूढ़े बच्चे सभी, कोई भी घर पर नहीं रहेगा। और यहाँ की जो परंपरा है जागरण, तो वो शुरू होगा तीन दिन तक। और कल लोग, आज नया देवता जिस पे आएगा वो कल हरिद्वार नहाने के लिए ले जाएंगे उनको, और फिर उसके बाद फिर जागरण होगा और तीसरे दिन में भंडारा होगा, भैरव देवता का पूजन का भंडारा होगा। तो आप मेरे साथ तब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे गांव में किस तरह से भैरव देवता का पूजन होता है। तब तक के लिए बाय। और मेरे साथ में है मेरी देवरानी, मेरी बहन, और ये रहते हैं दिल्ली, और दिल्ली से आ रखे हैं, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे घर पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदस्य हो चुके हैं, नहीं तो मैं अकेली रहती थी यहाँ। और आज देखो मेरा भतीजा भी है साथ में, और ये मेरी बहू ये हमारे भतीजे की बुआरी है, और ये चंडीगढ़ से आ रखे हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत लोगों से मिलाऊंगी, गांव में बहुत सारे आ रखे हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही कमाते हैं गांव में, लेकिन आज भैरव पूजन में बहुत सारे लोग आ रखे हैं। और ये मेरा भतीजा, देखिए, हाय, हेलो करो, हेलो हेलो इस तरह से लोग बहुत आ रखे हैं, हम भी पूरा परिवार आ रखा है। मेरे दो देवर आ रखे हैं, एक देवरानी है, दूसरे की शादी नहीं हुई, जिस दिन शादी हो जाएगी उसका भी व्लॉग आपको भेजेंगे। ये देखिए, अब हम गांव के भ्रमण में जा रहे हैं, सबको मिल के आते हैं, हमारी सारी दोस्त आ रखी हैं गांव में। ये देखिए, ये मेरा घर और वो गांव, चलो वो मेरी सासू माँ ऊपर बैठी हुई आ जा बली। अभी उनके भी साथ ही आ रखे हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं, मैं तो जा रही हूँ गांव की ओर, और सबसे मिलाती हूँ आपको। आओ, आज खाना बनाने की छुट्टी, क्योंकि गांव में सबके लिए एक साथ खाना बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा घूम के आते हैं गांव में। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सब्जी लगा रखी है, और ये गांव, और ये है हमारे गांव में जो प्रधान जी होते हैं, तो उनका घर है ये, उनका मकान है, और रात को यहाँ पे जागरण होगा। और जिनको गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि गांव के वास्तिक, तो वहीं पे पहले जागरण होता है, उसके बाद भैरव देवता जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे पूजा होगी। और आपको मिलाते हैं, चलिए। ये हमारी सासू जी हैं, बहुत ही, कितने साल के हो गए सासू जी? 80 साल के हो गए, देखो अभी तक ताकत है। और कितनी दूर से आए, नीचे है जुई सेरा, वहाँ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ से आए, पैदल चल के आए आप। और ये हाथ में डंडा लेके, और देखो उनका खान पान, पहले के लोगों का खान पान बहुत अच्छा था, इसलिए अभी तक जवान है, हम इनके सामने बुढ़े लग रहे हैं।
अच्छा ठीक है। ये वाला वीडियो बनाओ मैं ले अभी तो ही चलिए चलते हैं गांव की ओर। और यहाँ पे भी सब सब जगह लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे गुलशन ने तो मार खानी है और ये तीनों के तीनों हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। आइए उधर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। चाहिए टिकटॉक बना रहे हो ये सानू बुआरी आर्य सत्य बुआरी सब बुआरी ढेर लग रहा बुआरी ऊपर काम कोई छ ही नहीं। हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और सब है खाना खाने के लिए तैयार। खाना बन चुका है और हमारे लिए वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं कि खाना खाने के लिए आ जाओ। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ सबके सब एक साथ खाना खाते हैं। चलिए तो चलते हैं खाना खाने के लिए। नीलम था बुलाओ सुमनमा और अब चलते की सब खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं। चलो हम भी चलते हैं। ये नीलम इधर है जंकू को बुलाऊं को आ जा खाने बुलाऊं को आ जा हम बुलाएं सब तैयार जा जल्दी आ। हेलो अरे आओ यू दादी तो भीतर ले आना जी दाना आदमी कौन। अच्छा आओ तो जल्दी आओ किले नीच जगह बाहर जगह ही जगह च वहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। ये देखो चलो सबका दोपहर का खाना हो चुका है और अब हम थोड़ा थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि रात को जागरण है। और अब रात को जो जागरण है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय।